जिला यमुनानगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 मई से 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद ही यमुनानगर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे में इन मजदूरों को यहां शुरुआत में ही पैदल सफर तय करना पड़ रहा है, तो वहीं निजी बस चालक इन लोगों से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। ऑफिस है जी, वहाँ पर आ गया ऑफिस है जी। क्या कितने? ये पहले 1200-1000 रुपये लगता था, अब बता रहे हैं 2500-3000-2000-1800 रुपये। ये हमारा यहाँ से मोतिहारी तक है, पिपरा कोठी तक जी, हम लोग तो भाड़ा लगता है जी भाई 1200-1300 रुपये भाड़ा। थोड़ी लॉकडाउन का भी अथी है। कहाँ जा रहे हैं आप? इधर हुआ। किस लिए? हम बस में ये लॉकडाउन लग गया ना चलने बाद में। हाँ, सामान ले जा रहे हैं। कितने लोग थे आपके साथ? भाई यही गांव है, हम 10 किलोमीटर दूरी से आए हूं और गांव जाना चाहता हूं बिहार में। सर क्या करेंगे, खाने पीने का जब जवाब दे दिया रात में 9 बजे, रात में जवाब दिया कि फैक्ट्री बंद हो गया तुम लोग जाओ, नहीं पैसा दिया नहीं कुछ दिया, तो क्या करें सर। हम लोगों तो जवाब दे दिया ना फैक्ट्री वाला मालिक ने, तो तुम लोग जाओ कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर रह करके क्या करेंगे सर।